हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारुचरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीबीएससी लर्नर्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टीच शेप्स टू क्लास नर्सरी एंड क्लास केजी। बेसिकली हम शेप्स कैसे सिखाएं बच्चों को नर्सरी और केजी क्लास के, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ 7 to 8 एक्टिविटीज बताऊंगी जो आप बच्चों को शेप्स से रिलेटेड करा सकते हो, और कैसे आप बच्चों को शेप्स इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे कराओगे, पूरा प्रॉपर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है, आप बच्चों को ये डिफरेंट शेप्स दिखाकर शेप्स का सॉन्ग करा सकते हो, जैसे कि आई एम सर्कल, आई एम स्क्वायर, आई एम रेक्टेंगल। सेकंड एक्टिविटी इज शेप हॉपस्कॉच। आप शेप हॉपस्कॉच जो है बच्चों को गेम खिला सकते हो। आपको क्या करना है, आप बहुत सारे शेप्स के कटआउट रख सकते हो, एंड यू कैन आस्क स्टूडेंट की जंप ऑन सर्कल, जंप ऑन ट्रायंगल, ऐसे करा सकते हो। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप इसको थोड़ा सा मोड कर सकते हो। जैसे कि आपने बच्चों को बोला कि प्रिंट द ऑब्जेक्ट, आपने कोई शेप दिखाई और बच्चों को बोला कि इस शेप के आपको ऑब्जेक्ट लेकर आने, तो आप थोड़ा सा एक्टिविटी को मोड कर सकते हो। बट शेप हॉपस्कॉच अगर एक मदर ये वीडियो देख रही है तो वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे और शेप जो है बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी शेप्स पजल्स। शेप्स पजल्स आप घर में बना सकते हो। मेरी एक वीडियो है, आप आई बटन पे चेक कर लेना, मैंने मैथ्स के टीचिंग एड्स में शेप पजल दिखाया हुआ है। बहुत इजी है, आपको शेप्स पजल बनाओ और बच्चों को बोलो असेंबल इट एंड टेल द शेप्स। तो आप इस टाइप से अगर बच्चों को करवाओगे तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और आपका कोई कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप घर में ही घर के सामान से वो पजल बना सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी इज शेप्स ड्राइंग। आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बच्चों से ड्राइंग बनवा सकते हो, लाइक सीनरी और एनिमल्स। आप इस टाइप से अगर बनवाओगे तो बच्चों जो जिस बच्चे को इंटरेस्ट है आर्ट्स में या ड्राइंग में, बेसिकली उस बच्चे को शेप अच्छे से समझ आ जाएगी और बच्चे एंजॉय भी करेंगे। तो आप इस जो एक्टिविटी है शेप्स ड्राइंग, आप इसको 2-3 चीजों में डिवाइड कर सकते हो। या तो आप ओरिगामी वाली शेप पेस्टिंग करा लो, तो ये एक्टिविटी जो है उसमें भी है कि शेप्स का मैंने ट्रांसपोर्ट का सिखाया हुआ है, व्हीकल्स विद डिफरेंट शेप्स, वो मैंने बनाया हुआ है, मेरी वीडियो आई बटन में आप चेक कर लेना। एक मैंने कराया हुआ है शेप्स विद एनिमल, एनिमल विद शेप्स, बेसिकली एनिमल्स को शेप से ड्रॉ करवाया हुआ है। एक सीनरी शेप से करवाई हुई है। आप ऐसी एक्टिविटीज कराओगे कॉन्सेप्ट के साथ तो बच्चे एंजॉय भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की। नेक्स्ट एक्टिविटी फाइंड द ऑब्जेक्ट्स। अभी एक एक्टिविटी मैंने बोला था, उसमें क्या था कि बच्चों को ऑब्जेक्ट लेकर आपको शो करने थे, बट ये एक्टिविटी ऐसी है कि आप बच्चों को या बच्चों की मदद को बोल सकते हो अगर आप क्लास में बन पढ़ा रहे हो, और अगर आप एज अ मदर ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर सकते हो। एंड यू कैन आस्क कि आप इसमें से सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स जो है वो निकालो, जो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स है वो फाइंड करो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, घर के ही ऑब्जेक्ट्स रख के बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हो, और बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा, फाइन मोटर स्किल्स बच्चा उठाएगा वो भी इंक्रीज होगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, और साथ साथ शेप्स बच्चे की पूरी प्रॉपर क्लियर हो ही जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी जो लास्ट एक्टिविटी है। लास्ट एक्टिविटी बेसिकली है वर्कशीट। आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वर्कशीट बना के दे सकते हो बच्चों को, और अगर आप चाहते हो कि शेप्स की वर्कशीट मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है। वर्कशीट्स हुआ किट करके प्लेलिस्ट है, प्ले आई बटन में दे दूंगी या फिर वहां पर दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां चेकआउट करना और आपको मिल जाएगी। आप वहां से वर्कशीट्स के आइडियाज ले सकते हो शेप्स की। सो ये थे मेरे कुछ आइडियाज जिससे आप बच्चों को शेप्स सिखा सकते हो। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। बाय बाय।